हेलो गाइस, हाँ नटवर पहुंचने वाले हैं। और क्योंकि हम अपनी कार यहाँ पे मतलब रखेंगे और यहाँ से फिर हम ऊपर जाएंगे। अभी थोड़ा सा ऊपर है ना जाने को, हाँ थोड़ा सा ऊपर है। अभी हम ऐसे ही रुके हैं थोड़ी देर यहाँ पे और इधर से फिर हम पैदल जाएंगे। और बहुत मज़ा आया आज और यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब मज़ा है ना, हवा इतनी ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तब से चल चल के पसीने से बुरी हालत हो गई है। और आपको पता है मम्मा को इतनी ज्यादा टैनिंग हो गई, पूरे रेड हो गए उनकी बाजू। अब मुझे नहीं पता मेरी हुई है नहीं हुई, लग तो नहीं रहा बट पता नहीं। ऊपर से फोन बिल्कुल डेड है, पावर बैंक साथ में, लेकिन यार बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है फ़ोन, तो क्या करूँ मैं। फिर बार बार चार्जर से मतलब ये निकाल लेती हूँ। और अभी हम जा रहे हैं, हमने गाड़ी जहाँ पे पार्क किया टेंसना में, और अभी हम मंदिर के थोड़े ऐसे लाता दर्शन वगैरह करेंगे और उसके बाद हम उधर से आगे जाएंगे। बुरी हालत हो गई है और ऊपर से इतने भारी भारी सामान। ब्लैकमेल की थी हमने जो उन्होंने मोको गाइस, मैंने इसको बोला कि ये कल फाफा पकड़। मम्मी ये बेइज्जती मत करो यार, बता रही है। गाइस आज हम इतने टाइम के बाद अपने गणेश जी के मंदिर पहुंच गए हैं और इतना अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था फिर कब बुलाएंगे भगवान जी, और आज उन्होंने बुला लिया क्योंकि हमने ना देखो जय श्री गणेश भगवान जी की जय हो। चल चल वो देखो मम्मा और पापा मेरे ऐसे बना सीधा। और ये हमारे गणेश जी का टेंपल, हमारी ना इस बार यहाँ पे यात्रा भी थी कुछ मानी हुई थी लेकिन क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे इस बार क्योंकि कोई रीज़न ना, इसलिए बाय। जो चीज़ हमने सोची नहीं थी आज वही हो रही है। देख जी के दर्शन देख, यहाँ प्राण खबर दे, ये क्या कर जल्दी। सो ये हमारे गणेश भगवान जी, उनका यहाँ पे टेंसना में टेंपल है और यहाँ पे हम काफी टाइम के बाद यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। मम्मा भी इतने इमोशनल हो गया है, हम सभी काफी इमोशनल हो गए हैं। साल के बाद नहीं, काफी टाइम हो गया है। साल के बाद आई, तू तो आई नहीं होगी इधर। मैं इधर काफी टाइम से नहीं आई। आई है, तूने पहले देखा है मंदिर? एक बार आई हूँ जब उस दिन नानी के साथ वो सारे, पिछले साल आए थे। बहुत पहले, देखो कितना प्यारा मंदिर है। और तब यहाँ पे आधा ये चीजें नहीं बनी थी, अब काफी चीजें बन चुकी है।
और ये ना बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है और हम काफी टाइम यहाँ कोशिश करते थे आने की, नहीं आ पाते थे। और देखो जब बुलावा होता है ना अचानक ही आ जाता है इंसान, कुछ पता नहीं लगता। ये देखो मतलब मैंने ना यहाँ पे बहुत बारी कोशिश की आने की, और पिछली बार जब मैं यहाँ पे आई थी बैसाखी का मेला देखने के लिए, इसके पिछले की पिछली बार आई थी जब मैं, तो मैंने मैं आई थी दोनों तरफ बैसाखी का मेला देखने के लिए। यहाँ पे टेंसना में भी लगता है, ग्यूएरी घट्टी भी लगता है, और भी नागनी मात जगह लगता है, वासुकी नाग देवता जी का, मतलब जो नाग देवता है उनका मेला लगता है, स्वारधार वगैरह। बट मैंने इतनी कोशिश की, मैं नहीं आ पाई यहाँ पे। टीचर्स मतलब कॉल पे बोल रहे थे आ जाओ काम है, बहुत ही अर्जेंट काम है, किसी भी दिन निकलो, मतलब किसी दिन नहीं निकलो, आज ही निकलो, किसी भी हालत में कल तक पहुँचना है आपको। और जब मैं मतलब यहाँ से गई ना डायरेक्ट जम्मू, और उसी वक्त नाइट में मैं वापस निकल गई और दर्शन नहीं हो पाए। बट आज देखो मतलब ना हमने सोचा था ना प्लान किया था, कुछ भी नहीं किया था, बट आज भगवान जी ने हमें अपने, और मतलब आज का दिन इतना बेस्ट है ना मेरे लिए कि मतलब मेरा बर्थडे भी है, मतलब चंडी माता के दर्शन हो गए, वासुकी नाग देवती जी के दर्शन हो गए, जहाँ पे हमने कभी, मैं आज तक नहीं गई, उसके बाद वो दूसरे कौन से थे, महामृत्युंजय मंदिर है, उधर भी दर्शन हो गए, फिर यहाँ हमारे जोगनीश जी का टेम्पल है, यहाँ पे भी आज सबकी ब्लेसिंग्स मिल गई। इससे ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का। बस अभी चलते हैं अब नानी के घर, काफी देर भी हो चुकी है। हमने सोचा ही नहीं था मम्मा यहाँ आएंगे। देख तो बोलती थी भगवान बुलाते नहीं, मेरे को बुलाते नहीं, देखना आज कहाँ से बुलाया, पता चला यार हमें, मेरे को और मम्मा को होता है, सबको होता है, लेकिन मुझे लगता है ना मम्मा और मेरे को कुछ ज्यादा ही ऐसा है कि हम जल्दी बहुत जल्दी इमोशनल फील मतलब हो जाते हैं। बस मम्मा उधर जाके इमोशनल हो जाते हैं, वो भी हो गए और मैं भी ऐसे हो गई थोड़ी। बहुत अच्छा है यार, बहुत ज्यादा अच्छा है। जय गणपति गणेश भगवान की। बाकी आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, जब यहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं ना पूरा ढोंस लगता है भद्रवाही, पूरा ढोल वगैरह सब कुछ। यहाँ पे खाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें होती है जैसे मेलों में मिलती है, बच्चों के लिए खेलने के लिए चीज़ें सब कुछ मिलता है। बट अगर कभी होगा भगवान का फिर से बुलावा बैसाखी में तो आएंगे यहाँ पे ज़रूर, तो तब आपसे फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल चलते हैं। ये देखो यार, एक्चुअली हम गए थे नालकी भद्रवाह, बट वहाँ पे इतनी धूप थी और पेड़ों की तो बहुत ज़्यादा कमी थी, पेड़ तो ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम। हाँ उधर से पीछे पीछे है गुल्ली डंडा वगैरह, बट वहाँ हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हालात भी ठीक नहीं है। इसलिए उससे अच्छा मैं सोचूँ यहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया होता कितना अच्छा होता, क्या करें। बट कोई बात नहीं, ये तो अपना नानी का घर है। और देखो कितने सारे ओथनू पड़े यहाँ पे, ओथनाडू ओथनू देख रहे हो, ये इसी पेड़ के होते हैं, जो ऊपर पेड़ है ना इसी के होते हैं ये, फिर सूख जाते हैं। और देखो कैसे डंप लगाए इनके, देखो कैसे लकड़ियाँ काटी हैं। मुझे लग रहा है पापा मम्मी ने हमें कुछ ज़्यादा लंबे रास्ते से ले लिया, बहुत ज्यादा प्लेन है, तब से चढ़ाई चढ़ चढ़ के थक गई। पापा इन कौन सोते ना, इसको इसको क्या बोलते हैं इसका, मैं टाई, ये टाई मैं भूल जाती हूँ टाई। देखो इसमें पापा ये क्यों, इसमें घास क्यों रखते हैं जानवरों के लिए, ये देखो कैसे बनाते हैं ये टाई, देखो कितना प्यारा है ना, देखा। मेरे फोन लग रहा चार्ज पर टाऊ चले नहीं चलने तो इतना मजो ले रो इतने मलगाऊ तुसन से बंसी मिला ली खारी गई ता कुन पता होनी आऊँ काला मिले कि जो कि अज आऊँ थकरी थकोरी भी आई ना ताया आऊँ बहले बहले ले चलने घरे गई ता पूछती थाकी शाकी थोड़ी देती फिर पानी शानी पीता फिर कह ले गल बिश्ता आराम सी ठीक है। वो देखना कहाँ जा रहा है।
सामने थे। आ जा यार। गाइस देखो, मम्मी ने ऐसे रास्ते ले आए ना आज कि मैं तो ओ भाई, ऐसे रास्ते ना बकरियों के लिए होते हैं, और इन्होंने हमें कहां कहां से इतने लॉन्ग क्या ये हम इतने लंबे वाले रास्ते से ले आए हैं ना, क्या बोलूं ना, पप्पा नहीं दिख रहा ना कुछ दिख रहा गट्टी गोड़ी इनसे दूर है कि सांसे दूर है। पापा मैप खोलो, मम्मी घर का रास्ता भूल गई। उधर क्या बोलोगे, पानी घूम घूम के आए भगवान, मम्मी ने हमें 2 घंटे घुमा दिया, रास्ता ही भूल गए, और देखो आगे पीछे बिल्कुल जंगल ही जंगल, कुछ भी नहीं है, और देखो रास्ता ही नहीं है, टूटा हुआ रास्ता। एन करो नलको नहीं ले रो एज तर मैल ने पापा की गुस्से से बुरी हालत हो गई। रास्ता ही भूल गया, पता नहीं कौन से जंगलों में भटक गए हैं। ये हम मामा तो कहाँ पे हैं? शीतला माता के उधर मंदिर था ना ऊपर, पता नहीं मम्मी का शीतला माता पानी नहीं है ना, जीरे पानी मम्मा 2 घंटे हो गए आपको घुमाते हुए, आधे घंटे के रास्ते को आपने 2 घंटे का रास्ता बना दिया। तो बात कोड़ी है भाई, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, मैं तो बिल्कुल थक चुकी हूँ, और मेरे शूजों से पैर ऐसे, मतलब रास्ता नहीं है ना यार, रास्ता नहीं है, स्लिपरी, मतलब पता नहीं क्या उबड़ खाबड़, मम्मी रास्ते से ही नहीं लेके जा रहे। आप तब से पानी पानी कर रहे हो और पानी आपको रास्ता मिल नहीं रहा, देखो खड्ड में लेके आ गई मम्मी, कहाँ खड्ड नहीं मतलब ये इधर से पूरा रास्ता ही नहीं आगे, और अब बोरे नीचे के जाओ वो देखो अब पापा कॉल कर रहे हैं रास्ता भूल के सोच रहे हो तुम, अब वीडियो कॉल की है, मैं रास्ता दिखाती हूँ, बड़ो डेंडी है फिर नाले में पूजी ठाकुर बाते बंदी तर गोरु की बाती कुले थी ताते इठ बाते बंद वो बुनले होते नाल के नाले में अगर डेंडी पूजा तू चाट में जिन होनी तू साथ कोड़ सुनो बाप रे घर सारा घरन कोई अड़ी घर अभी ने पानी फोर जान रे नालो बड्डो दे घर सारा किछ नहीं थे इत पत्र कुन कुन डाउन थी पत्र इन पत्र कुन चलो चलो रास्ता तो है नहीं, मेरी मम्मा लेके गई आज, पता नहीं कौन सा एडवेंचर करवा रहे हैं हमारे से, आप नहीं बोल रही, वो होता ना औरतों की बातें नहीं सुननी चाहिए, मैं भी उसी उस कैटेगरी में आऊंगी, लेकिन लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं यही बोल सकती हूँ यार। भाई मम्मा मेरा शू स्लिप हो रहा है यार, ओ मम्मा शू स्लिप हो रहा है यार, शूज फट जाएगा सेल्विया, फाइनली मामू हमें आगे लेने, इतनी जद्दोजहद के बाद देवदार होना ये बहुत दूर बड़े पेड़ से, अब ये फाटी बन गई ना बिल्कुल, इसको बहुत ये पानी काट गया, सेल ने यार माफ जाते हैं, हां 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 चलो वो फिर से इतनी मेहनत की है, पैर तो धोने बनते हैं मम्मी के, इनको ने मामू जी ना इन इन
ਇਹਨਾਂ ਨਿਕੜੇ ਨਿਕੜੇ ਕੀੜੇ ਜੇ ਕੋੜੀ ਮੈਂਡਕ ਡੋਕੀ ਡੋਕੀ ਯੇ वो जो फ्रॉग होता है जो टैड बोली वो तो छोटा जब होता है हाँ। इसको बोलते हैं हम डोकिया टैड बोली मुझे लग रहा है पानी में भी वही होंगे सर वो तो ऐसे बोलते मछली 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 का पता लग जाता है अच्छा है उधर बहुत क्लीन है बस हर चीज बहुत परफेक्टली उन्होंने रखी है ठंडा कितना यार पानी ये देखो ये होते हैं नाग जहाँ से पानी आता है ठंडा पानी पुराने जमाने के पत्थर देख कैसे होते थे कितनी बड़े बड़े पत्थर बनाते कैसे चिराई ये पुदीना अम्मा ये देखो कितना सारा पुदीना है यहाँ मम्मी घर गाजो तो नहीं नैनो हेलो एवरीवन सो आज की सुबह देखो कितने अच्छे मौसम के साथ हो रही है इतनी ज्यादा बारिश और साथ में धुंध वाओ तुम पता इतने टाइम से इतने दिन से यहाँ पे ना बारिश नहीं हुई थी बट हम आए और साथ में बारिश भी हो गई और इतना ठंडा मौसम वो देखो पापा पापा और ये गुड मॉर्निंग हमारा यहाँ पे देख रहे हो मौसम ये ना दाल डाली है यहाँ पे तो कितना प्यारा व्यू है डांस डांस अच्छे से यान क्या खेल रहे हो क्या खेल रहे हो क्रिकेट हाय एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी एकदम ठीक ठाक हैं सो आज हम जा रहे हैं शादी में सो आज है मेरे कज़न की शादी जो कि आज मेहंदी रात है सो हम सारे वहाँ पे जा रहे हैं तो पापा वगैरह वो चले गए हैं दूसरे रास्ते से क्योंकि उनको कार दूसरी तरफ पार्क करनी थी क्योंकि वहाँ से हमें दादी के घर भी जाना है इसलिए बाकी हम सारे कुछ लोग हैं जो हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की चढ़ाई चढ़नी है हमें और उसके बाद थोड़ा सा नीचे के लिए फिर वो आ जाएगा घर हमारे कज़न का मामू का तो उसके बाद मैं आप सभी को वहाँ पे जाके सब दिखाऊंगी जो जो वहाँ हो रहा होगा वैसे तो चलो वहीं जाके मिलते हैं अब बाकी मैं सबसे आपको मिलवा देती हूँ एक बार जो जो वहाँ पे जा रहे हैं सब रेडी हो गया और मैं भी एकदम रेडी हो चुकी हूँ अभी और बस मैंने ये सिंपल सा ग्रीन कलर का एक सूट सिलवाया था तो बस मैंने ये पहन लिया है और अब चलते हैं सबसे आपको मिलवाती हूँ और फिर सो पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ जो भी है उसके बाद बाकी सब ये छोटा बोल रहा है मुझे छड़ी तो वीडियो बनाते हो रो किच काम नहीं इसकी तुम बातें सुनोगे ना इतनी ज्यादा प्यारी बातें करता है समझ लिख रहे हो सामने किसे उड़लाए कैंचरो नहीं ठीक है हम आपको आउटफिट दिखा रहे हैं कितना अच्छा रहा ये ना ये किसका है रिहान का अच्छा लग रहा है पैंट तो
इसकी बैग कैसे बनवाई है? और छोटी सी शॉर्ट सी कुर्ती बनाई है। बस अभी फिलहाल इतना ही दिखेगा, बाकी शॉर्ट्स पे देख लेना, ठीक है? टीडी हाँ नहीं हुए अभी, कूलर्स के नैन सब लानो सब। सो विहान जी यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। विहान स्मार्ट लग रहे हो ना आप? कल पापा ने क्या किया था आपका यहाँ से? इसके पूरे बाल थे, पापा ने यहाँ पे ट्रिमर मार दिया और यहाँ पे बेचारे के बाल खराब हो गए थे। फिर इसको ये कट करना पड़ा, मुझे नहीं पता ये कौन सा कट है, मशरूम कट है कि कौन सा, एक ही बात है ना। बस शाबाश, चलो अब फिलहाल मैंने दे दिया मामा। तो ये जा रहे हैं और ये वहाँ पे हमें मिलेंगे पापा और भैया। देखो दो टाइम दर्शन करता ये आते हैं तो जाते हैं। पीछे व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है। शादी में, ठीक है? और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो, ऊपर 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 जाना है हमें और बहुत ही ज़्यादा कठिन चढ़ाई है, बट इट्स ओके, हम चलेंगे, है ना? चलेंगे हम, चल तम बल्ले बल्ले कुछ कोई तर पुट जोलू, है ना? चल तम, पता ही लाग भी बोतन, बट भगवान जी प्लीज़ रक्षा करना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? लोग गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए? समझ आया था, बहुत अच्छा। आज भी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा। और मासी देखो, मासी देखो कितना प्यारा रास्ता है यहाँ से, अच्छा रास्ता है ना, जा रही है, बहुत अच्छा रास्ता है। मम्मा ये गौ माता का वो है ना गोबर है। हाँ मासी, कौन कौन है?
पेड़ है इधर, पौधे है इधर, होरू मंकी है इधर, ओ मेरे बुआ पाओ पाओ इधर ऊपर मंकी विष्णु मंकी हां सारू पीछे हमारी प्यारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी मम्मा मासी और मामी, हम सारे जा रहे हैं। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे सूट पहने तीनों ने और कितने प्यारे लग रहे। हाय मामी शर्मी उरी। अच्छा धूप आखो, कितनी सारी मक्खियाँ हो गई हैं यहाँ पे। और बट इस बार ना बारिश बहुत कम पड़ी है तो इस वजह से अभी उतनी अच्छे से नहीं हुई है। तो ये देखो कितना प्यारा पहाड़ लग रहा है। ये देखो अभी हम शॉप पे जा रहे हैं दोपहर एल्फी लेने, क्योंकि बता नहीं सकती। आओ। मामी ने ना डर के मारे इस बतख से पूरा पॉलिथीन ही तोड़ दिया। क्विक 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 क्विक। मामी कौन गल है, तू डरता तू सा? मामी आपको ये आपको पसंद कर रही है? जोत 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 ना जोत बैठा तेरी है जोत वारा बैठा था ना है ना। अभी इधर से प्लेन ही है रास्ता, तब से हम चल रहे हैं। और ये देखो सारे मसीह जी, हाय जोत, हाय मासी, हाय जोत, हाय। देखो मामी को मैंने अपनी चुन्नी भी डबल डबल चुन्नी पहनाई। ये देखो कितनी प्यारी जगह है। यस भाई, अभी हम तब से चल रहे थे, हमारे पसीने निकल गया, मेकअप सारा तो धुल गया, बैठा थोड़ा पूरा तो लगा है। चलते अभी, मजा आता है ना, साइक फैमिली ऐसे हो आप, इंजॉय कर रहे हो सब चीजें हो, ज्यादा मजा आता है। और यहाँ पे हमारे जो हिरना नाग देवता जी हैं, देव है उनका मंदिर है, तो दिखाऊंगी ऊपर जाके आपको। ये हमारे नाग देवता जी का मंदिर, तो यहाँ पे हम ठहल देते हैं। लड़ती मामी जो ने चलो इधर देते बैग। गाइस यहाँ पे देख रहे हो आप कितने प्यारे प्यारे भेड्डू है यहाँ पे। मासी हेलो गाइस, भेड्डू है इधर पहुँच गए हम। मेरे साथ खेला दिया है, कितना खेला दिया है, देख दीदी के पास खेले के पास
खेला दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन्हें नाग देवता हमने क्रॉस कर दिया है, सही बात है। अब नटवास में पहुंचने वाले हैं, भटोली भटोली में पहुंचे हैं, भटोली एंड पोटोली नटवास में पहुंचने वाले हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हां नटवास पहुंचने वाले हैं। हेलो गाइस, बहुत बुरा हाल हो गया। तुम कीड़ों की आवाज़ सुन रहे हो पीछे? इसको पता नहीं हमारे में, मतलब हम उसको चिराड़ी बोलते हैं यार। तुम्हें पता, और थनू पता है तुम्हें, ये जो च्यू होते हैं ना, च्यू कैसे बताऊँ? अच्छा हाँ, ये काइल के जो पेड़ होते हैं ना, इसके इसके ऊपर से पत्ते गिरते हैं ना, इससे इतना स्लिपरी हो जाता है कि मतलब मैं इतनी जगह फिसलते फिसलते बची हूँ, और मसीह जी ने मेरा हाथ पकड़ के नीचे तक इधर तक लाया है। एंड स्टिल मतलब बहुत मुश्किल है चलना, और मेरे पास ना चप्पल भी ऐसी है कि वो स्लिप इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। अभी हम जस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं, जाते हैं आगे, देखो बस पहुँचने वाले हम। पसीना हो भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरी हाल। बस इधर से आगे आपको दिख जाएगा उनका घर, गाने लगे वहाँ, डीजे वगैरह सुनाई दे रहे हैं, जाते हैं वहाँ पे। वो देखो पार, वो वहाँ पे पंछी, वो देखो जंतु।